So, dear children, we were calculating the work done today. Let us furthermore, bete, question number 5, bete, hum kar rahe the discuss. Isme aapko diya gaya hai, a mass of 10 kilogram is at point A on the table. A table ki surface se A point pe 10 kilogram ka mass bete jo hai, ye adjusted pada hai. And it moves to the point B. इसको आपने B पॉइंट तक मूव करवा दिया और आपको कहा गया है इफ द लाइन जॉइनिंग A एंड B पॉइंट्स इज हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अवर साइड इज दैट व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विद ए ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क करेगी दैट वर्क डन इज विद ए नीडेड if you beta once again focus upon the work done in this case by the gravitational force beta nahi 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 beta gravitational force ye aapka object is direction mein move kar raha hai gravitational force vertically downwards hai dono mein angle 90 degree aa jayega and work done will be beta zero no work will be done in this case right beta then let us come to question number beta 7 What are the various energy transformation that occur when you are riding a bicycle bete aap bicycle ride kar rahe ho kaun kaun si energy transformations jo hain wo dekhne ko milengi so we will say that this was our question number beta 6 nahi 7th hai beta ye question number 7 6 beech mein se miss ho gaya abhi main karwata hu you are riding a bicycle मस्क्यूलर एनर्जी जो है इट इज बिटे चेंजिंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बाईसाइकिल जब आप बाईसाइकिल राइड कर रहे हो ये काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है मस्क्यूलर एनर्जी बेटा सो इन दिस वे आप जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इनको एज सच डिस्कस कर सकते हो देख सकते हो देन बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 इसमें आपको कहा गया है डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश ए ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट बट यू फेल टू मूव इट एक बहुत बड़ी रॉक है आप उसको बेटा पुश करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप उसको पुश नहीं कर पा रहे हो और उस केस में आपको वर्क डन जो है बेटा और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है इसके बारे में कहा गया है जब हम बेटे ह्यूज रॉक को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो मूव नहीं कर रही है तो डेफिनेटली वर्क डन तो जीरो ही रहेगा बिकॉज मूवमेंट नहीं है और सेकेंडली गुड बेटा सेकेंडली जब आप उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो आपकी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली बेटे जो है दैट इज बींग स्पेंड और वो जो आपने एनर्जी अपनी स्पेंड की है बिकॉज ऑफ मूवमेंट तो हुआ नहीं उसका वॉल का और जितना भी आप फोर्स अप्लाई करोगे ह्यूज रॉक पे आपकी बॉडी के ऊपर एज ए रिएक्शन उतना ही फोर्स बेटे आपकी बॉडी पे रिवर्स डायरेक्शन में लग जाएगा और उस फोर्स की वजह से आपकी जो मसल्स हैं और आपका जो बॉडी है इट विल हीट अप आपकी बॉडी जो है उसमें स्वेटिंग वगैरह हो जाएगी सो इन दिस वे बेटे आप अपना ये वाला जो सिचुएशन है इसको समझ सकते हो देन बेटे डियर प्रॉब्लम नंबर हमारा बेटे 6 रह गया था ये भी देख लीजिए बीच में 6 हमारा मिस हो गया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली डज इट वायोलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके पास एक चौक का पीस है आपने इसको ड्रॉप कर दिया ये नीचे को मूव कर रहा है अब आपको कहा गया है कि क्या इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से कम हो रही है क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन को वायोलेट करता है आंसर इज नो यस दिया गुड बेटा ये बिल्कुल भी वायोलेट नहीं कर रहा बिकॉज इसमें पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और टोटल एनर्जी जो है ये बेटे कांस्टेंट रह रही है सो इन दिस मैनर हम
इसको समझ सकते हैं. देन बेटे लेट अस शिफ्ट टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए देखें प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है, किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं. लेट अस सी टू दैट बेटा. क्वेश्चन नंबर 9, सम हाउसहोल्ड कंज्यूम्स 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ. एनर्जी कंज्यूम्ड बाय सम हाउसहोल्ड इज 250 यूनिट्स आपको दे रखा है. आपको कहा गया है हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स, ये एनर्जी जूल्स में कितनी है ये निकालनी है. वन यूनिट आपको याद होगा हमने कहा था इट इज 1 kWh इसके बराबर का है. और बिल्कुल ठीक बेटे, बिल्कुल ठीक. और 1 kWh आपका 3.6 × 10⁶ जूल्स के बराबर होता है. सो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल्स कितनी बन गई, 250 × 3.6 × 10⁶ जूल्स. अगर आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये 9 × 10⁹ बच्चों ने आंसर निकाला है बेटा. यस बेटे, 10⁸ जूल्स. ये बेटे डियर स्टूडेंट्स आपने आंसर निकाला, एक बार फिर से इसको रीचेक कर लीजिएगा कि वेदर इज इट ऑल राइट और नॉट बेटा. इसके बाद बेटे लेट अस, ठीक है बेटे, गुड. इसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 10 बेटा. आइए देखें 10th क्वेश्चन क्या है. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 5 meters अबव द ग्राउंड. किसी ऑब्जेक्ट का मास बेटे जो है ये आपको दिया गया है 40 kg. आपने इसको 5 meters की हाइट तक रेज किया है ग्राउंड लेवल से. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दिस इज नीडेड. और सेकेंडली इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन. इसकी काइनेटिक एनर्जी भी आपने हाफ वे डाउन निकालनी है. बेटे आपका आंसर सारे बच्चों का ठीक है, एक बार ये प्रोसीजर देख लीजिएगा, मेथड देख लीजिएगा. इतनी हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जब आप निकालोगे इट विल बी इक्वल टू एम जी एच. एम आपका 40 है, जी 10 ले लीजिए, एच 5 है, एंड 5 × 4 = 20. 2000 जूल्स के बराबर आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई अगर आप जी 10 लेते हो. अगर 9.8 लेते हो तो इट विल बी लिटिल बिट लेस बेटे, जितना भी आप कैलकुलेट कर ले. देन बेटे हाफ वे डाउन आप आ गए हो, उस केस में हाइट कितना बन गया, 5/2 meters बन गया हाइट बेटा. इस हाफ वे डाउन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए. पोटेंशियल एनर्जी विल बी एम जी एच डैश. एम आपका 40, जी 10, एच डैश आपने अब लिया है हाफ ऑफ द, ये 20 आ गया. 1000 जूल्स के बराबर आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ वे डाउन. और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये बेटे टोटल एनर्जी जितनी टॉप पे थी उसके बराबर ही होगी. तो इट विल बी 2000 और पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाल ली है, काइनेटिक एनर्जी विल बी 2000 टोटल एनर्जी माइनस 1000 आपका पोटेंशियल एनर्जी है. तो ये 1000 जूल्स के बराबर आपकी जो एनर्जी है आपको मिल जाएगी बेटा. सो इन दिस वे बेटे हम इसको देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस हिसाब से हमने एनर्जी की कैलकुलेशन जो है ये कंप्लीट कर लेनी है. आइए बेटे आगे चलें, नेक्स्ट प्रोसीड करें. प्रॉब्लम नंबर हमारा है 11 इसके बाद. लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी
on a satellite moving around the earth? Justify your answer, beta. Zero work done. Good, beta. Question number 11 है. Earth है. Imagine कर लीजिए. Earth के round about कोई satellite orbiting कर रहा है, move कर रहा है. आपको work done calculate करने के लिए कहा गया है. In this case, beta. Again ध्यान दीजिएगा. What is the work done by the force of gravity on the satellite moving round the earth? बेटे force of gravity, अगर आपका satellite यहाँ पे है, satellite पे force of gravity इस direction में act करेगा, लेकिन उसका direction of motion ये वाला होगा, and as a result of that, जो work done है, that will be equal to Fs cos 90. इस cos 90 की वजह से जो work done है, it will be equal to beta zero. No work जो है, that will be done in this case. और work done आपका यहाँ पे जो है, ये simply zero हो जाएगा बेटा. Then बेटे इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है. Can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? Think and discuss the question with your teachers or friends. Can there be displacement of an object in the absence of any force? बड़ा interesting point है उन्होंने पूछा. External force act नहीं कर रही है. Yes, बेटे good, good, very good. ठीक है आपका. External force act नहीं कर रही है तो we are to justify that whether there be some displacement or not, बेटा. Question number 12 में आपका force अगर zero हो जाए, आप जानते हैं फोर्स आपका एफ एम इंटू ए के बराबर होता है, और फोर्स एफ आपका एम बी माइनस यू बाई टी के बराबर होता है. अब फोर्स तो है नहीं है, इट विल मीन दैट एम इंटू वी माइनस यू बाई टी विल बी इक्वल टू जीरो. एम जीरो होगा नहीं, बी माइनस यू बाई टी विल बी जीरो, बी माइनस यू विल बी जीरो, बी विल बी इक्वल टू यू. आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा, इसकी अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा तो ये ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स मूव कर जाएगा बेटा, उसमें डिस्प्लेसमेंट नोटिस की जाएगी. फिर से ध्यान दीजिएगा, फोर्स अप्लाइड जीरो है, और आप फोर्स को इस फॉर्म में लिख लीजिए. बिकॉज फोर्स अप्लाइड जीरो है तो आप एम इंटू वी माइनस यू बाई टी को जीरो लिख लो. एम जीरो है नहीं, इसको जीरो कर दीजिए. यहां वी माइनस यू अपने आप जीरो आ जाएगा. वी विल बी इक्वल टू यू, और आपका जो ऑब्जेक्ट है ये बेटे, इट विल मीन दैट कि यूनिफॉर्म मोशन अगर पोजेस करेगा तो इन द एब्सेंस ऑफ द फोर्स कोई भी इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो नोटिस की जा सकती है. सो इन दिस वे आप इसको आंसर कर सकते हैं. आइए बेटे आगे चलें विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 बेटा. क्वेश्चन इज दैट ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड. हैज ही डन सम वर्क और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर बेटा. ए पर्सन इज होल्डिंग ए बंडल ऑफ हे ऑन हिज हेड. जब बंडल किसी चीज का अपने हेड पे वो लिफ्ट करेगा, फोर्स अप्लाइड विल बी इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन बेटा. और उन्होंने देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट की तो बात ही नहीं करी है. इट विल मीन दैट कि उसका डिस्प्लेसमेंट भी कोई नहीं है. अगर अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट होता भी तो भी ये एंगल 90 डिग्री का बन जाना था. तो वर्क डन इन दैट केस इज इक्वल टू जीरो. नो वर्क इज गोइंग टू बी डन इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 14. एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट. हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स? 1500 वॉट इसकी पावर है दी हुई आपको. 10 आवर्स का टाइम दिया हुआ है. एनर्जी कंज्यूम निकालना है. ये पावर इनटू टाइम होता है.
1500 के आप ये वॉट के किलो वॉट बना लो, इतनी एनर्जी की कंजम्पशन हो जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू 15 किलो वॉट आर या 15 यूनिट्स आप कह सकते हो. सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन दिस केस कैलकुलेटेड बेटा. इसके बाद बेटे आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाई डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस विच अकर व्हेन वी ड्रॉ ए पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउ इट टू ऑसिलेट. व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट, व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी बेटे. पेंडुलम का बॉब आपको दे रखा है, सिंपल पेंडुलम का बॉब, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में आपको वो कहना चाहते हैं. 15th क्वेश्चन है, ये आपका फिक्स्ड सपोर्ट, ये बॉब, इट इज टेकन टू द साइड एंड देन इट इज लेट टू मूव, इट विल ऑसिलेट इन दिस वे, ये ऑसिलेशंस इसकी स्टार्ट हो जाती है. ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मेन से एक्सट्रीम, वापस मेन, देन टू द अदर एक्सट्रीम, देन अगेन बैक टू द मेन पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल बी जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन. मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ जरूर होगी. यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होगा. आफ्टर सम टाइम ये रेस्ट पे क्यों आ जाता है, बिकॉज when the bob is moving in the air, the bob is oscillating in the air beta, due to the resistance of the air, air iske motion ko oppose karegi, friction cause karegi, uski wajah se bete kya hota hai, dheere dheere with the passage of time aapke bob ki energy mein loss hota jata hai, and when the energy is totally lost in the form of heat with the resistance of the air, it will come to rest beta. So with this all, beta, thank you. Rest of the things we will take up next time. Thank you.